नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अभी हमारे जेठ महीने में एक एकादशी आने वाली है, जिसे हम निर्जला एकादशी के रूप में जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हम अगर कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए आज जानकारी लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन सी चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी एक विशेष धार्मिक तिथि होती है, जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के दान करने से आध्यात्मिक और धार्मिक फल हमें प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन दान करने से न केवल धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि ये मान्यता है कि ये दान आपको शुभता, समृद्धि, आध्यात्मिक विकास और पूर्णता के लिए आवश्यक बना सकता है। ये दान गरीब लोगों, भूखे लोगों, विद्यार्थियों, वृद्धों, धार्मिक संस्थानों के आदि प्रति सहानुभूति और सेवा का अभिव्यक्ति होता है। आप इस दिन अपनी सामर्थ्य और इच्छानुसार अन्न, पानी, वस्त्र, धन, धार्मिक पुस्तकें, शिक्षा, यात्रा आदि का दान जरूर कर सकते हैं। ये दान आपको आध्यात्मिक और मानसिक शांति के साथ आपके धार्मिक और सामाजिक सामर्थ्य को बढ़ाने में जरूर मदद करता है। निर्जला एकादशी के दिन मैं अब आपको आगे की जो लिस्ट बताने जा रही हूँ, उन चीज़ों का दान करते हैं। तो पहले सुनते हैं जल दान के बारे में। जल दान करने से हम प्यासे और जल की कमी से पीड़ित लोगों की सेवा कर सकते हैं। जल एक मूलभूत आवश्यकता है और इसे अनुभव करने का अधिकार सभी को होना चाहिए। जल दान करके हम अन्य लोगों की प्यास बुझा सकते हैं और उन्हें जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संबल प्रदान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल दान करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप प्यासे और गरीब लोगों को पानी दान जरूर कर सकते हैं। अन्नदान करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। हम जीवों को पृथ्वी पर प्राणी बनाने वाले परमात्मा की सेवा करते हैं। इसके माध्यम से हम दान करने वाले का आदर्श बनते हैं और हमारा मन और आत्मा पवित्रता और शुद्धता की ओर बढ़ती है। गरीब और भूखे लोगों को भोजन का दान करना भी उत्तम माना जाता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान कर सकते हैं, जैसे कि भोजन के पैकेट्स, अन्नदान केंद्रों में खाना बांटना आदि। अब देखते हैं वस्त्र दान के बारे में। वस्त्र दान करने से हमारा आध्यात्मिक पूरित होता है। हम वस्त्र द्वारा अपने शरीर को ढकते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं, और वस्त्र दान करके हम अन्य लोगों को इस सुरक्षा और गरिमा का अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वस्त्र दान करने से हमारी मानसिक और आध्यात्मिक पूर्णता को बढ़ावा जरूर मिलता है। गरीबों को वस्त्र दान करना भी अच्छा माना जाता है। आप पुराने और उपयोग नहीं होने वाले कपड़ों को या कपड़े खरीदकर उन्हें जरूर दान कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तिकाओं का दान। आप धार्मिक पुस्तकों का दान करके भगवान की भक्ति में लोगों की सहायता जरूर कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से हमारी साधना और आत्मिक विकास होता है। इन पुस्तकों में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि का ज्ञान होता है, जो हमें आत्मिक मार्गदर्शन और साधना की सुविधा प्रदान करते हैं। इन पुस्तकों का दान करने से हम अपने आत्मिक संगठन और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। धार्मिक संस्थाओं में दान करके हम सामाजिक सेवा का प्रतीक बन सकते हैं। ये संस्थाएं धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यों को संचालित करती है और समाज के विभिन्न आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। हम इन संस्थाओं को दान करके समाज की सेवा, समर्पण और सहायता कर सकते हैं। आप आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारा, विद्यालय आदि धार्मिक संस्थानों को दान कर सकते हैं। आपके दान से इन संस्थानों को उनके कार्यों को संचालित करने और सेवाएं प्रदान करने की संभावना होती है। यदि आपको संभव हो तो आप इन चीजों का निर्जला एकादशी के दिन स्वयं दान करें, या फिर धार्मिक संस्थानों, निशुल्क भोजनालयों या गरीबों के लिए सेवा करने वाली संगठनों को जरूर दान प्रदान कर सकते हैं। धार्मिक दान साधारणतः पुण्यकारी माना जाता है और निर्जला एकादशी के दिन इसे करने से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है।
तो दोस्तों कैसे लगा ये आपको निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी देने वाला टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा।